देखो भाई साहब, जवान मूवी ने पूरे इंडिया के बॉक्स ऑफिस पे जो तबाही मचाई है ना, उसे देखकर कई साउथ डायरेक्टर ने जवान के ही लेवल की कई मूवी अनाउंस कर दी हैं। और भाई साहब, इन नई फिल्मों में प्रभास, यश, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं। और अल्लू अर्जुन की फिल्म और उनके डायरेक्टर के बारे में जानकर तो आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि अल्लू अर्जुन एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं जिनकी एक भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप नहीं रही है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की मूवी के बारे में। तो तुम सबको पता है कि प्रभास की अगली फिल्म सलार और प्रोजेक्ट के होने वाली है, लेकिन अभी हाल ही में प्रभास ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मंचू विष्णु की एक एक्शन थ्रिलर मूवी को साइन कर लिया है। और कई रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि इस फिल्म में प्रभास भगवान शिव के भक्त या खुद भगवान शिव का रोल प्ले करेंगे। और इस मूवी के बारे में मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में साउथ फिल्मों के ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कई सोर्सेज के मुताबिक सुपरस्टार प्रभास मंचू विष्णु की कन्नप्पा मूवी का हिस्सा रहेंगे। जिसका जवाब देते हुए मंचू विष्णु ने भी हर हर महादेव लिखा। और अगर मंचू विष्णु ने खुद रिप्लाई किया है तो इस बात का सीधा सा मतलब यही है कि प्रभास उनके साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी की लीड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन होने वाली है। और देखो, अभी इस मूवी के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इस मूवी के बारे में अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं केजीएफ के सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग फिल्म के बारे में। तो रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग फिल्म गोवा के बैकग्राउंड पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें 1960 के दशक में जो गोवा में रशियन और ड्रग्स माफिया की घुसपैठ हुई थी उसे दिखाया जाएगा। और इस फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर प्रशांत नील नहीं बल्कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर लता मेनन होगी। इस फिल्म का बजट भी 100 करोड़ रुपए होने वाला है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद यश होंगे। देखो, इस मूवी के बारे में यश ने कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट किया जाएगा। देखो भाई, केजीएफ 2 इतनी बड़ी सुपरहिट रही थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और उसके बाद यश को कई फिल्में भी ऑफर हुई, लेकिन यश ने अब तक कोई भी फिल्म साइन नहीं करी है। क्योंकि भाई साहब, यश जानते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं है तो वो फिल्म नहीं चलने वाली। इसलिए यश उनके लेवल की स्टोरी ढूंढ रहे हैं। और भाई साहब, यश जब भी वापसी करेंगे वो शाहरुख खान की तरह छा जाएंगे। अब बात करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत और लोकेश कनगराज की अपकमिंग फिल्म के बारे में। तो देखो, रजनीकांत सर की अभी हाल ही में जेलर मूवी रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर करीबन 600 करोड़ रुपए कमाए थे। और सोचो कि अब की बार रजनीकांत सर लोकेश कनगराज के साथ काम करने वाले हैं, तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस तो फटने वाला है। देखो, एक और रजनीकांत सर की फैन फॉलोइंग शाहरुख खान के लेवल की है, तो दूसरी ओर लोकेश कनगराज की फिल्म बनाने की स्टाइल पूरी दुनिया भर से अलग है। देखो, तुम लोगों को तो पता ही है कि लोकेश कनगराज का एलसीयू नाम का एक फिल्म यूनिवर्स है, जिसमें केथी और विक्रम जैसी धमाकेदार फिल्में हैं। तो शायद रजनीकांत सर की भी अगली फिल्म इसी यूनिवर्स से जुड़ी हो सकती है। देखो, इस बारे में कोई भी ऑफिशियली न्यूज नहीं है कि यह मूवी लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट होगी या नहीं। तो देखो, इस मूवी के अनाउंसमेंट टीजर तक इसका इंतजार करते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी के बारे में। क्योंकि भाई साहब, अल्लू अर्जुन को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके फैन काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अल्लू अर्जुन को सिनेमाघरों में देखे करीबन 2 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब फाइनली पुष्पा 2 मूवी आने वाली है, और पुष्पा मूवी के बाद अल्लू अर्जुन एटली कुमार के साथ एक्शन मूवी करते दिखेंगे। इस मूवी की भी स्टोरी जवान मूवी की ही तरह होगी, और एटली कुमार का कहना है कि यह फिल्म जो अल्लू अर्जुन के साथ वो करने वाले हैं, शाहरुख खान की फिल्म से भी ग्रैंड लेवल की होने वाली है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए करीबन 2026 तक को इंतजार करना होगा। बाकी इन सारी फिल्मों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।